सोलन शहर के आसपास के गांव आवारा पशुओं से बेहद परेशान हैं। गांव के किसान सारा वर्ष खेत में मेहनत करते हैं और जब फसल तैयार होने वाली होती है तो कुछ फसल बंदर नष्ट कर देते हैं, तो बची हुई फसल पर कभी मौसम की मार पड़ जाती है तो कभी कीटनाशक उनके लाभ को कम कर देते हैं। लेकिन बसाल पंचायत के गाँव बैर के शहर में आजकल किसान आवारा पशुओं से भी बेहद परेशान है। सोलन शहर के आसपास के गांव आवारा पशुओं से बेहद परेशान हैं। गांव के किसान सारा वर्ष खेत में मेहनत करते हैं और जब फसल तैयार होने वाली होती है तो कुछ फसल बंदर नष्ट कर देते हैं। बची हुई फसल पर कभी मौसम की मार पड़ जाती है तो कभी कीटनाशक उनके लाभ को कम कर देते हैं। लेकिन बसाल पंचायत के गाँव बैर के शहर में आजकल किसान आवारा पशुओं से भी बेहद परेशान है। बेसहारा पशु खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, तो जब उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता तो वे खेतों में घुस जाते हैं और फसल को नष्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां के किसान बेहद आहत हैं और उनमें बेहद रोष बन रहा है। गांव की युवा किसान यामिनी ठाकुर ने बताया कि उनके गांव बैर के शहर में आजकल आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है। ये पशु उनके खेतों में घुस जाते हैं और उनकी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से इस गाँव के सभी किसान बेहद परेशान है। उन्होंने मांग की है कि जिन किसान और गांव वासियों ने ये पशु इस तरह से आवारा छोड़े हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को आवारा ना छोड़ सके और उनकी फसल नष्ट होने से बच जाए। हमारे गांव बेर की शहर में आजकल बहुत सी आवारा गाय छोड़ दी गई है, जिसके कारण गाँव वासियों का फसलों की बहुत नुकसान हुआ है और बहुत लोगों को इससे बहुत शिकायत थी। तो मेरा कृपया कर प्रशासन से ये अनुरोध है कि जिन लोगों ने ये गाय छोड़ी है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए।